जो है ना, ये हमने ओपन कर लिया ट्यूटोरियल सर रिएक्ट का। डेटाबेस बस यही कुछ है सॉरी, सर, डेटाबेस में बस यही कुछ करेंगे। डेटाबेस तो अभी आपका साथ साथ चलता रहेगा ना, डेटाबेस और सर्वर कंप्लीट नहीं हुआ अभी आपका, ये रिएक्ट के साथ साथ भी ये चलेगा। ठीक है, रिएक्ट के साथ ठीक है साथ ना सर, अभी और भी चीज़ें चलेंगी इसमें। हम JWT टोकन्स हमने नहीं पढ़े अभी, अभी इसमें लॉगिन हमने नहीं किया, वो हम इंशाल्लाह रिएक्ट की जब ऐप बनाएंगे ना तो उस पर ये लॉगिन साइनअप हम दोबारा से करेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड हमारा अभी बहुत ठीक है बेसिक सर, था HTML पे था। फ्रंट एंड असल में HTML पे नहीं होता, वो रिएक्ट के ऊपर होता है। ठीक है सर। अच्छा, तो कह रहे हैं कि लर्निंग रिएक्ट इज़ टफ। भाई टफ है जब ही तो पैसे हैं, टफ नहीं होता तो पैसे भी नहीं होते। ठीक है, इट सीम्स अ लॉट एट वंस, कह रहे हैं आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़नी पड़ रही हैं। ठीक है, तो अब ये खैर इसने तमीदी बातें की हुई हैं, हम आगे चलते हैं डायरेक्ट जहाँ से इसने असल टॉपिक शुरू किया हुआ है। अच्छा, ये इसने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, ये टॉपिक तो नहीं शुरू हुआ अभी भी यहाँ पे। कह रहा है टाइनी विन्स प्रोपेल यू फॉरवर्ड, के छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, वो आपको आगे बढ़ने में बड़ी मदद करती हैं। इफ़ यू गेट टू द फन स्टफ क्विकली, कह रहा है कि अगर आप ऐसी चीज़ें जल्दी जल्दी करने लग जाएं कि जिसमें आपको कुछ रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाए, आप थोड़ा उसमें चेंजेस करके देख सकें। जैसे हमने जो है अभी तक एक करड़ ऑपरेशन बना लिया, हमने साइनअप का पेज बना लिया, हमने छोटा सा ई कॉमर्स का स्टोर एक बना लिया, तो ये असल में ये वही बात कर रहे हैं कि अगर आप जल्दी से ना ये चीज़ें करने लग जाएं आप, इवन इट इज़ जस्ट टाइनी अमाउंट ऑफ फ़न, तो कह रहा है आपको थोड़ा फ़न होता है, मज़ा आता है इसमें, तो फिर आपका ना दिल करता है काम करने का। एंड इट्स लॉट ईजियर टू कीप गोइंग, सो दैट्स वाट वी विल डू हेयर। कह रहा है इस ट्यूटोरियल में भी ये यही करने वाला है कि जल्दी से ना छोटी छोटी चीज़ बना के कोई ऐसा काम करें हम कि जिससे हम हमें मज़ा आना शुरू हो जाए, कुछ बनना शुरू हो जाए। एक तो ये अप्रोच होती है कि 3 महीने तक थ्योरी पढ़ रहे हैं, 3 महीने तक कुछ बनाया नहीं, कोई सिर्फ थ्योरी थ्योरी चल रही है, पढ़ाई पढ़ाई चल रही है, कुछ प्रैक्टिकल नहीं हो रहा। एक तो ये अप्रोच होती है, एक है ये वाली अप्रोच जो इस कोर्स में हम शुरू से लेके चल रहे हैं कि जैसे ही छोटी सी पढ़ाई करते हैं और उसका फ़ौरन हम कुछ ना कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं, कोई ना कोई प्रैक्टिकल वर्क उसका करते हैं। अच्छा जी, तो व्हाट इज़ रिएक्ट? रिएक्ट की हमारी ये पहली क्लास है आज। रिएक्ट इज़ अ UI लाइब्रेरी क्रिएटेड बाई फेसबुक। अच्छा, कौन मुझे ये बताएगा कि लाइब्रेरी किस चीज़ को कहते हैं? कोई भी अपना माइक ओपन करके अपना ओपिनियन दे सकता है। जब लाइब्रेरी की बात होती है तो लाइब्रेरी का क्या कलेक्शन मतलब है? ऑफ फाइल्स, जिस तरह सर ये बाकी जैसा सी प्लस हाँ प्लस में हम डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज पढ़ते हैं, उनके अंदर डिफरेंट किस्म के फंक्शंस की डेफिनेशन स्टोर होती है। हाँ अच्छा, बिल्कुल आपने सही बताया। देखिए, आम जुबान में तो क्या कहते हैं, लाइब्रेरी उसको कहते हैं कि अगर कोई बुक है ना, बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, तो वो बुक्स जहाँ पे रखी हुई होती हैं बहुत सारी, उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे फंक्शन जहाँ पे रखे हुए होते हैं ना, उसको लाइब्रेरी कहते हैं। तो असल में रिएक्ट क्या चीज़ है? रिएक्ट पहले से बने बनाए बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, जो UI बनाने के काम आते हैं, यानी यूज़र इंटरफेस बनाने के काम आते हैं। जो HTML CSS से जो हम काम करते हैं ना, वही काम इससे होता है। लेकिन इसमें बने बनाए फंक्शन पड़े हुए हैं, ये लाइब्रेरी है, और इसको क्रिएट किया है फेसबुक वालों ने। ठीक है, फेसबुक ने ये लाइब्रेरी बनाई थी अपने लिए, बाद में इन्होंने फिर पब्लिक कर दी। इट हेल्प्स यू क्रिएट इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स। अच्छा, तो कौन मुझे ये बताएगा, ये कह रहे हैं कि ये आपको मदद करती है लाइब्रेरी क्या बनाने में? इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस बनाने में मदद करती है। कौन मुझे बताएगा इंटरेक्टिव का क्या मतलब होता है? अंग्रेजी में इंटरेक्टिव किस चीज़ को कहते हैं? इंटरेक्टिव ऐसी चीज़ है जो आपके साथ कम्युनिकेट करे किसी भी फॉर्म में, टेक्स्ट की हाँ शक्ल में या वॉइस में या किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करे। जी बिल्कुल सर, सही बताया आपने। और कोई बताना चाहेगा? और कोई अपना ओपिनियन देना चाहेगा कि इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन करें वो जवाब दे, या वो अगर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने लगे तो आपसे भी क्वेरी करे। बिल्कुल सही कहा आपने भी। अच्छा, इंटरेक्शन जो क्लाइंट होता इसके है ना, ऊपर कुछ इंटरेक्ट कर सके, मतलब इंटरेक्शन कुछ इंटरेक्ट कर एक्शन कर सके। सके। अच्छा, इंटरेक्शन जो होता है, हम अगर गूगल पे जाके लिखें ना इंटरेक्टिव डेफिनेशन, तो देखें हमें इसने क्या बताया। इंटरेक्टिव का मतलब होता है टू पीपल और थिंग
इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, ठीक है, या अलाउ अ टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कंप्यूटर यूज़र। मिसाल के तौर पे जैसे ये जो क्लास है हमारी, अगर तो इस क्लास में सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, आप लोग सबके माइक बंद हैं, आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, तो वन वे है ये, मैं सिर्फ यहाँ से बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमारी ये क्लास इंटरैक्टिव है क्योंकि इस क्लास में मैं भी बोलता हूँ, आप सुनते हैं, फिर आप भी बोलते हैं और मैं सुनता हूँ, ठीक है। तो ये क्लास जो है हमारी, इस वजह से क्या है, इंटरैक्टिव है। तो इंटरैक्टिव का मतलब होता है कि टू वे कम्युनिकेशन हो, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन हो कि मैं भी बोलूँ और आप भी बोलें, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन हो, दिस इज़ कॉल्ड इंटरैक्टिव। अच्छा, तो ये तो हो गया रियल वर्ल्ड में, कि रियल वर्ल्ड में इंटरैक्टिव चीज़ है वो, उसका हमने समझ लिया। अब वेब एप्लीकेशन के अंदर इंटरैक्टिव कैसे हो सकता है, कि एक वेब एप्लीकेशन वो होती है जिसको यूज़र आता है वेबसाइट को ओपन करके और सिर्फ देखता है और चला जाता है, ठीक है, एक वो वेबसाइट होती है। जो हमने शुरू में जब HTML पढ़ रहे थे उस वक्त भी हमने ये डिस्कस की थी बात, कि यार शुरू शुरू में पम्फलेट छपते थे कागज़ के, फिर इंटरनेट आ गया तो उन्होंने बोला चलो यार यही पम्फलेट इंटरनेट पर अब छाप दो, तो उसको वेबसाइट बोलने लग गया। लेकिन उस पम्फलेट के अंदर कोई आके ना साइन अप नहीं कर सकता था उसमें, उस पम्फलेट पर आके कोई कॉमेंट या लाइक नहीं कर सकता था, राइट। तो दैट वॉज वेब 1.0 या वेब 1 पहला वर्जन था वो वेब का। अच्छा, उसके बाद वेब 2.0 जब आई ना तो वो इंटरेक्टिव हो गया। इंटरेक्टिव में क्या हो गया कि अब एक फेसबुक की जो पोस्ट है वो आप देखते तो हैं लेकिन उस पर आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, या अपनी खुद की पोस्ट भी बना के डाल सकते हैं। तो फेसबुक जो है वो इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, फेसबुक जो है वो इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन है। अच्छा, बाय द वे इस दौर में आपको शायद ऐसी वेबसाइट अब आपको मिलेगी नहीं अब जो इंटरेक्टिव ना हो, ठीक है, हर वेबसाइट इंटरेक्टिव ही होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, यानी ऐसी वेबसाइट जो इंटरेक्टिव नहीं है उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता इस वक्त। होगी कोई एक बात बाय द वे, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो हमने इस क्लास में जो सबसे पहली वेबसाइट बनाई थी, जो CV बनाया था आप सब लोगों ने, वो CV जो थी वो क्या थी, वो वेब 1.0 थी, दैट CV वाज नॉट इंटरेक्टिव। लेकिन अभी जो आपने ऐप बनाई है दो तीन दिन पहले, जो प्रोडक्ट की जो लिस्ट थी क्रड ऑपरेशन, दैट एप्लीकेशन वॉज इंटरेक्टिव एप्लीकेशन। तो हमने क्या सीखा कि इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन उसको कहते हैं जिसमें यूज़र आएगा ना तो अपनी बात भी वो डाल सकता है, अपना उसमें डेटा डाल सकता है, उसमें कमेंट लाइक कर सकता है, प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, पोस्ट को ऐड कर सकता है, ठीक है। जैसे YouTube है, YouTube इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन है, क्योंकि मैं YouTube पे जाता हूँ अपनी वीडियो अपलोड कर देता हूँ जाके, YouTube वालों ने जो अपलोड किया वो तो मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी भी अपलोड कर देता हूँ, फिर पहले से अपलोड हुई भी वीडियो पर कॉमेंट लाइक भी कर देता हूँ। तो YouTube इज़ अ इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन, Facebook इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन, ये जो Google Meet हम यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ एन इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन, कि Google Meet ने जो वेबसाइट बना दी वो तो सही है लेकिन यहाँ पे मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो मैं अपनी वीडियो इसके अंदर डाल रहा हूँ और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपकी आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, तो ये इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन है सारी, ठीक है। तो इस वक्त जितनी भी एप्लीकेशन मार्केट में है मौजूद वो सारी इंटरेक्टिव है बाय डिफ़ॉल्ट। ये उर्दू न्यूज़पेपर की जो साइट है जंग वाली या जो भी एक्सप्रेस, हाँ, ये इंटरेक्टिव है क्या, क्योंकि इस पे हेडिंग्स पे क्लिक करें तो वो उसी हेडिंग की न्यूज़ खुल जाती है। एक मिनट मैं देखता हूँ क्या नाम है, क्या है उसका वेबसाइट का, उर्दू न्यूज़, जैसे फर्ज करें ummat.com.pk न्यूज़पेपर है, ummat.com.pk। अच्छा, चलते हैं ummat.com.pk में, मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को दिख रही होगी होपफुली। अच्छा, ये आ गया मेरे पास अखबार। अच्छा, और कराची, कराची पे क्लिक कर दिया मैंने, कराची, हाँ कराची पे। अच्छा, ये कराची पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे अभी तक तो मुझे इसमें मेन पेज पे क्लिक कर दे, अभी तक मुझे इस पे कर दे, ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इस पे मेन पेज पे अभी तक मुझे इसमें कोई इंटरेक्टिव चीज नजर तो नहीं आई है। अब किसी न्यूज पे क्लिक करेंगे ना तो उस वो हिस्सा खुलेगा, तो ये इंटरेक्शन है इसकी नहीं है, ये इंटरेक्शन नहीं है। नहीं, ये तो जस्ट पेजेस हैं और वो लिंक के जरिए कनेक्ट हुए हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ, तो ये वही 1.0 वाला सीन है, ये 1.0 वाली वेब है।
यानी बाज़ वक़्त रिक्वायरमेंट ऐसी हो, वेबसाइट ऐसी हो सकती है जो 1.0 पे अभी भी काम, अभी भी रेयर है, रेयर है। जैसे देखें ना, ये रेयर वेबसाइट है, मुझे नहीं पता था इस वेबसाइट का, आपने बताया। तो इस तरह की वेबसाइट अब बहुत रेयर है जो इंटरेक्टिव ना हो। अच्छा, अगर यहाँ पे होता ना कि ये न्यूज़ लिखी हुई है, इसके नीचे कमेंट का एक आ रहा होता कि यार इस न्यूज़ पे ना, जैसे अब ये बारिश की न्यूज़ है कोई, तूफान की है, तो मैं नीचे लगा दूँ कोई कमेंट अपना कि यार बड़ा अफसोस हुआ ये देख के, ठीक है, या ये कौन सी जगह की है, मैं कोई क्वेश्चन, मतलब कमेंट करने की अगर जगह होती, या इसमें अपवोट करने की जगह होती कि यार इस न्यूज़ को मैं बोलूँ हाँ यार ये ऑथेंटिक है, अपवोट, तो फिर ये इंटरेक्टिव हो जाती। That is interaction. अगर जितने भी न्यूज ऑनलाइन न्यूज़पेपर है ना, उर्दू या इंग्लिश, तो वो सेम वैसे ही है तकरीबन सारे। नहीं जितने भी, नहीं वो जो, जैसे मैं वॉशिंगटन पोस्ट में जाऊंगा ना, वो आप देखें वो इंटरेक्टिव है। वॉशिंगटन पोस्ट में मैं गया, देखें यहाँ पे ना, एक तो इनका ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, ये नोटिफिकेशन लगा दिया ना मैंने, तो अब मुझे नोटिफिकेशन आती रहेगी इसकी, ठीक है। और इसमें देखें साइन इन का ऑप्शन है, ट्राई 4 वीक्स फ्री, इसमें सब्सक्रिप्शन है, क्रेडिट कार्ड डालता हूँ मैं, मुझे मतलब बाकायदा ये एक 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 वेब एप्लीकेशन है। इसमें देखें सर्च का बटन है, सर्च तो खैर इंटरेक्टिव नहीं है, बहरहाल सर्च इंटरेक्टिव वाली चीज़ नहीं है, लेकिन किसी ना किसी लेवल पर यह सर्च भी इंटरेक्टिव है कि मैं जो लिखता हूँ वो आता है फिर मेरे पास, लेकिन सर्च को मैं फुली इंटरेक्टिव पर शामिल नहीं करूँगा ये, लेकिन साइन इन इसमें मौजूद है, ठीक है। इसमें पेमेंट होती है इसके अंदर। अब इसमें ना वो भी है कि अपवोट डाउनवोट का भी कोई चक्कर है इसमें, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है। जैसे मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ ओपन की इसकी, अच्छा ये देखें, ये जो बंदी है ना, ये इस बंदी का पूरा प्रोफाइल है, ठीक है। इस तरह आप भी अपना प्रोफाइल बना सकते हैं इसके ऊपर ना, ये देख रहे हैं, इसमें कमेंट का भी कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है। मैं एक बार आया था वॉशिंगटन पोस्ट को ना, अच्छे से देखा था मैंने, पता नहीं क्यों आया था। अच्छा देखिए, लिसन का भी ऑप्शन है इसके अंदर, कमेंट्स कर सकते हैं आप, ख़त्म हो गई बात, कमेंट्स जहाँ पे आ गए तो वहाँ इंटरेक्शन तो हो ही गया ना। अबे कमेंट पे क्लिक किया मैंने, ये कहाँ चला गया, ये रहा कमेंट्स हैं इसके अंदर। गिफ्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल मैं एज अ गिफ्ट किसी को भेज सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि पेड होते हैं आर्टिकल, इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं वो पेड होते हैं, तो आपके पास अगर पेड सब्सक्रिप्शन है तो किसी भी आर्टिकल पे क्लिक करके ना वो आप किसी को भेज सकते हैं एज अ गिफ्ट, कि वो जब खोलेगा तो उससे पैसे नहीं कटेंगे, वो आपके पैसों में ही हो जाएगा पूरा उसका, ठीक है। कॉमेंट्स भी हैं इसके अंदर, देखें लोगों ने देखें कॉमेंट्स किए हुए हैं, कॉमेंट लाइक हो रहे हैं, रिप्लाई हो रहा है उस कॉमेंट के ऊपर, तो मैं फुली इंगेज हो रहा हूँ इस वेबसाइट से, मैं अपनी पूरी बात सामने रख सकता हूँ इस वेबसाइट में, मैं अपने मेरे दिमाग में जो चीज़ मौजूद है मैं वो इस साइट पर पब्लिश कर सकता हूँ। तो कुछ मैं पब्लिश कर रहा हूँ, कुछ वॉशिंगटन पोस्ट वाले पब्लिश कर रहे हैं, तो दोनों भाई मिलके पब्लिश कर रहे हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन, दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन। असल में पाकिस्तान में मैंने कोई ऐसा शायद न्यूज़पेपर इस तरह का देखा नहीं, मैं उसकी बात कर रहा था, जैसे एक्सप्रेस हो गया न्यूज़पेपर, हाँ। जंग हो गया। अच्छा वॉशिंगटन पोस्ट जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि ये फिजिकल न्यूज़पेपर भी है इनका, लेकिन मेन ये यहाँ से चलते हैं, ये उसने खरीदा है ना अभी, हमारा जो वो बच्चा है ना जो, क्या अरे ये अमेज़ॉन वाला जो है, अमेज़ॉन CEO मासूम सा बच्चा हमारा, ये रहा जैव, नहीं यार ये वाला क्या नाम है इसका, पता नहीं क्या नाम है इसका, जेफ बेजोस, इसके हाथ में चल रहा है ना अभी, ये अमेज़ॉन वालों का ही है असल में, ये अमेज़ॉन वालों का है, वॉशिंगटन पोस्ट। तो पाकिस्तान में भी हैं ऐसे न्यूज़ चैनल्स जो कुछ, जो मैंने देखा है वो इंटरेक्टिव है उनकी वेबसाइट्स ना सारी। अच्छा वेल, तो हम ये बात कर रहे थे कि इट हेल्प्स यू क्रिएट इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस, मतलब ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो UI की लाइब्रेरी है, ये डिज़ाइन की गई है इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। अगर आपको जो वेब एप्लीकेशन बनानी है अगर वो इंटरेक्टिव नहीं बनानी है आपको, ठीक है, अगर वो आपको इंटरेक्टिव नहीं बनानी है तो फिर शायद उसके लिए दूसरी लाइब्रेरी शायद बेहतर होंगी, लेकिन ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन के लिए। सही है, मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स। अब ये ना कंपोनेंट बेस होता है, जो रिएक्ट है, रिएक्ट की जो लाइब्रेरी है वो कंपोनेंट बेस है। कंपोनेंट बेस क्या होता है कि आपकी जो पूरी मुकम्मल वेबसाइट है ना वो पूरी एक जगह पे नहीं होती, उसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, उससे मिलके आपकी वेबसाइट बनती है। कंपोनेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि एक कंपोनेंट एक मुकम्मल एप्लीकेशन होती है, HTML CSS JavaScript हर कंपोनेंट की अपनी होती है,
ठीक है, तो उससे होता ये है कि अलग अलग बंदे दो अगर पेजेस पे काम कर रहे हैं तो वो मसला नहीं होता, तो बहुत कन्वीनियंट रहता है ये कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच जो है। इफ़ यू आर फेमिलियर विथ HTML, यू कैन थिंक ऑफ कंपोनेंट्स एज अ फैंसी कस्टम टैग। अभी तक हमने लगा के नहीं देखा कंपोनेंट होता कैसा है, लेकिन ये कह रहा है कि कंपोनेंट ना कुछ भी नहीं है, टैग है बस। वो जो हम H1 H2 का टैग लगाते रहे ना, डिव का टैग लगा लिया, स्पैन स्पैम क्या स्पैन लगा लिया हमने, और जो भी पैराग्राफ लगा लिया, तो जो वही है, मतलब कोई इतना न्यू भी नहीं है। सही है, तो देखेंगे हम लगा के क्या होता है फिर। दैट्स प्रिटी मच व्हाट वी आर व्हाट दे आर, रीयूजेबल बिट ऑफ कंटेंट एंड बिहेवियर दैट कैन बी पुट ऑन अ वेब पेज। कह रहे हैं कि रीयूजेबल होते हैं वो, मतलब पैराग्राफ तो एक बार आपने बना दिया तो आप बार बार उसको लगाते हैं कहीं भी, तो इसी तरह कंपोनेंट भी कह रहे हैं, एक बार आप बना लोगे ना तो बार बार उसको आप यूज़ करोगे। अ कंपोनेंट इज रिटन एज अ प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। कंपोनेंट जो है वो कह रहा है कि भाई वो कुछ भी नहीं है, वो प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। एंड दिस इज रियल जावास्क्रिप्ट हेयर, नॉट अ टेम्पलेट लैंग्वेज। अच्छा, React support a special syntax called JSX. React का ना एक special syntax है जो JSX कहलाता है, which looks a bit like HTML, but it is turned into real JavaScript code by compiler. कह रहे हैं कि JSX में आप कोड लिखते हैं लेकिन जब वो चलता है ना तो वो JavaScript में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब JSX क्या चीज़ होती है, JSX भी हम जब लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन इन्होंने ये बताया है कि JSX जो होती है वो बिल्कुल आपको देखने में कैसी होती है, बिल्कुल HTML के जैसी होती है। आप जब देखोगे JSX को तो आपको लगेगा कि ये HTML ही लिखा हुआ है। ठीक है, जो लैंग्वेज है कंपोनेंट को लिखने की, दैट इज़ कॉल्ड JSX, बट वो JSX जो है वो क्या है, वो बिल्कुल HTML ही है देखने में, बट इट इज़ टर्न्ड इनटू रियल जावास्क्रिप्ट कोड बाई अ कंपाइलर। लेकिन कह रहे हैं जब वो हम उसको चलाते हैं ना, जब रन करते हैं तो वो रियल जावास्क्रिप्ट के कोड में कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक है, अ वेब पेज इज़ मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स। अब ये कह रहे हैं कि कंपोनेंट तो हमने समझ लिया कि वो किससे बनता है, भाई JSX से बनता है। ठीक है, अच्छा, अब वेब पेज जो है वो जो होता है हमारा, जो एक वेबसाइट का जो पेज होता है, रिएक्ट के केस में बात हो रही है अभी, इज़ मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स लेड आउट इन नेस्टेड ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, कह रहे हैं कि वेब पेज जो होता है वो क्या होता है, कंपोनेंट से मिलके बनता है, जो ट्री की तरह उसके अंदर यानी असेंबल हुआ होता है। ट्री का असेंबल का मतलब ये है कि जैसे होता है ना, एक बॉडी है, फिर बॉडी के अंदर दो डिव है, फिर दोनों डिव के अंदर एक एक पैराग्राफ है, तो ये एक्चुअली ट्री स्ट्रक्चर इसको कह रहे होते हैं, कि एक पेरेंट होता है, फिर उसके दो चाइल्ड होते हैं, फिर उसके अंदर तीन चाइल्ड होते हैं, फिर हर तीन चाइल्ड के अंदर दो दो चाइल्ड होते हैं, तो दैट थिंग इज़ कॉल्ड ट्री स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक HTML एलिमेंट्स। HTML भी बिल्कुल इसी तरह होता है। ठीक है, तो कंपोनेंट जो है वो HTML की तरह ही होता है कुल मिला के बात ये। रिएक्ट कंपोनेंट कैन कंटेन अदर कंपोनेंट्स। कह रहे हैं कि जैसे HTML के अंदर एक एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट रखवा देते हैं, उसी तरह इसके अंदर एक कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट भी रखवा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। एंड नेटिव एलिमेंट लाइक डिव बटन्स, ये पता नहीं, ये इसने लिखा है कि नेटिव जो है ना डिव और बटन, ये इस नाम से भी पहले से उसके अंदर कंपोनेंट मौजूद है, तो कोई बिल्कुल नया भी नहीं होगा, ऐसा लगेगा आपको आप HTML ही लिख रहे हो, HTML बिल्कुल आपको फील होगा कि आप लिख रहे हो। बट दीज कंपोनेंट्स आर फंक्शंस, के ये जो कंपोनेंट्स हैं ना ये फंक्शंस हैं, ये और कुछ भी नहीं है। रिमेंबर एंड कैन बी पास्ड डेटा टू डिस्प्ले। जैसा कि फंक्शन होते हैं उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, तो इसी तरीके से जो कंपोनेंट्स हैं वो भी फंक्शन है, क्योंकि इसने शुरू में बोला कि भाई ये प्लेन फंक्शन है, तो इसको भी क्या पास किया जा सकता है, डेटा पास किया जा सकता है, जैसे किसी फंक्शन को पास करते हैं डेटा, वैसे इसको भी डेटा पास किया जा सकता है। ठीक है, और वो कंपोनेंट क्या करता है, उस डेटा को डिस्प्ले करवा देता है, दैट्स ऑल।
ठीक है, तो मतलब डेटा पास करने, जैसे फंक्शन में तो है ना कि भाई फंक्शन में डेटा पास किया तो दो नंबरों को पास किया तो प्लस करके रिटर्न करेगा, तो कंपोनेंट इज़ नॉट गोना रिटर्न एनीथिंग, कंपोनेंट उसको डिस्प्ले करेगा। कंपोनेंट को इसलिए हम डेटा पास करते हैं कि उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करें। ठीक है, अच्छा ये हमने काफ़ी कर लिया, अभी थोड़ी सी हमने थ्योरी पढ़ ली है, काफ़ी अच्छी थ्योरी पढ़ ली है। अच्छा अब हम ना हेलो वर्ल्ड पे आ जाते हैं सीधा, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी पढ़ेंगे तो दिमाग की हो जाएगी दही। लेट्स गो हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट द कोड इज़ डूइंग। कह रहे हैं कि आपको सबको क्या करना है कि पहले स्क्रीन पे ना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, कुछ ना कुछ करके, कैसे भी करके हेलो वर्ल्ड आपको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो कोड करता क्या है। ठीक है, अच्छा तो आप सब लोग ये आर्टिकल ओपन कर लें। अच्छा इसके स्ट्रक्चर हम साथ साथ पढ़ेंगे, बस अभी तो हेलो वर्ल्ड तो करें, ये कह रहे हैं ना हेलो वर्ल्ड कर लें फिर देखेंगे आगे, तो हम भी यही करते हैं। ये जो गो हेयर का बटन है ना, गो हेयर का बटन है, इस पर राइट क्लिक करके आप इसको नए टैब में ओपन कर लें। गो हेयर, सही है, ये आपने ओपन कर लिया इसको। द प्रोजेक्ट विल हैव ऐप डॉट जे एस ओपन। कह रहे हैं कि जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो एक रिएक्ट का बना हुआ प्रोजेक्ट है ये ऑनलाइन कोड एडिटर है, जैसे वी एस कोड है ना उसी तरह ये कोड एडिटर है, और ये ऑनलाइन कोड एडिटर है। तो कह रहा है कि जब आप खोलेंगे ना तो पहले से आपको क्या दिखेगा, ऐप डॉट जे एस की फाइल खुली भी दिखेगी आपको पहले से। कह रहा है क्लोज दैट, वी डोंट नीड इट, यू कैन इवन डिलीट दैट फाइल। कह रहा है सेलेक्ट इंडेक्स डॉट जे एस फ्रॉम द लेफ्ट पैन। अभी हम भी करते हैं, ज़रा जाके खोल के देखते हैं। अच्छा ये देखो कैसे खुला है, ये देखो फाइल ने यहाँ पे ना लिस्ट आ रही है सारी, ये फाइल की लिस्ट आ रही है सारी। कह रहा है ऐप डॉट जे एस होगी, तो ऐप डॉट जे एस को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया मैंने, राइट क्लिक किया और डिलीट। ओए डिलीट क्यों नहीं हो रहा, हाँ ऐप होगा डिलीट किया। ऐप डॉट जे एस को मैंने क्या कर दिया, डिलीट। ये ऊपर कैसे आ गया उड़ के, पहले तो नीचे था, इंडेक्स डॉट जे एस में आ गया मैं। ठीक है, अच्छा इंडेक्स डॉट जे एस में आने के बाद इसने क्या बोला, इसने कहा होल्ड योर ब्रीथ, होल्ड योर ब्रेथ, अपनी सांस को रोकें आप थोड़ा सा, डिलीट एंटायर कॉन्टेंट ऑफ इंडेक्स डॉट जे एस। इंडेक्स डॉट जे एस में आने के बाद भी इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है सबको डिलीट कर दें आप ऐसे। ठीक हो गया, अब अगला काम क्या बताया इसने, कह रहा है कि ये वाला कोड आप टाइप करें। ये वाला कोड आपको कैसे टाइप करना है, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसको हाथ से टाइप करना है। ठीक है, देख के इसको लिखना है, तो मैं कर लेता हूँ टाइप इसको हाथ से। इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है ये मैंने हाथ से एक कोड टाइप कर लिया। अच्छा फिर रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डैश डॉम, सही है। ठीक हो गया, फंक्शन हाई लिखा है इसने, और वो फंक्शन हाय जो है रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है एक डिव। सर हमें तो एरर दे रहा है, अभी अभी रुक जाओ, अभी पूरा लिख तो ले इसको। फंक्शन हाय लिखा, उसमें डिव में हेलो वर्ल्ड लिख दिया, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक हो गया जी। उसके बाद लिखा है रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर और हाई लिखा, और उसके बाद वो वाला डिव लिख दिया पूरा। रिएक्ट डॉम पूरा कैपिटल था, हाँ पूरा कैपिटल था, मैंने ऊपर मिस्टेक किए। रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, हाय कॉमा हाय, उसके बाद कॉमा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर
और उसके बाद हैश क्या था, रूट। हाँ रूट आ गया, ठीक है जी, बिल्कुल सही कोड लिख लिया मैंने यहाँ पे, ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया। और ये कोड जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, हेलो वर्ल्ड, ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। अच्छा अब आप सब लोगों को क्या करना है, ये हेलो वर्ल्ड का कोड ना अभी अपने हाथ से बैठ के लिखें, जब सब लोगों का ये हेलो वर्ल्ड चल जाएगा तो फिर हम उसके बाद देखेंगे कि ये कोड करता क्या है, ठीक है। जल्दी से सब लोग ना, ये आर्टिकल का लिंक सब लोगों के पास शेयर हो चुका है, जल्दी से ये आप आर्टिकल खोल लें और यहाँ पे जो लिखे हुए ना ये पांच स्टेप, ये पांच स्टेप आप करें और आपके पास रिजल्ट जो है ना वो ये आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो जल्दी से ज़रा ये कर लें सब लोग, ठीक है। आपके पास अभी 9:04 हो रहे हैं, 5 मिनट का टाइम है, 9:10 पे मैं आपसे फिर ये देखता हूँ, आगे बढ़ते हैं फिर हम 5 मिनट के बाद। सर हो गया मेरा,
अच्छा, तो भाइयों होपफुली आप सब लोगों से ये बन गया होगा। एरर दे रहा है एक, जी दिखा दें स्क्रीन अपनी, क्या एरर आ रहा है। सर मेरा हो गया कंप्लीट। अच्छा, जिन लोगों से हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने रिएक्ट की पहली ऐप बना ली है। सर हाँ, आपने रिएक्ट की सबसे पहली ऐप बना ली है आज, जिन लोगों से हेलो वर्ल्ड हो गया। सर कोड तो बिल्कुल ओके दिखा हुआ है, एरर में ही बता रहे हैं ना कि क्या एरर है। देखें, इसने लिखा है एलिमेंट इज टाइप इज इनवैलिड एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग फॉर बिल्ट इन कंपोनेंट क्लास फंक्शन। ये इसको ज़रा बंद कीजिएगा, फाइल को बंद कीजिएगा, ये जो पेपर बना हुआ है ना इस पर क्लिक करें, फाइल बंद हो जाएगी। पेपर जो बना हुआ है, नहीं फाइल को, उस वाले को नहीं बंद करना था, उसको खोलें आप। हाँ चलें ठीक है। अच्छा कोड और इसको ज़रा थोड़ा इक्वल साइज़ पे लाएं ताकि कोड भी मुझे पूरा दिखे। ये नीचे जो, अच्छा एक मिनट एक मिनट, अब ऐसे ही रुकिएगा ज़रा। इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट फंक्शन हाय हेलो वर्ल्ड रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर। क्वेरी सेलेक्टर वाली लाइन पूरी आखिर तक दिखाइएगा क्या लिखा है इसमें। रूट क्या सही तो लिखा हुआ है, रिफ्रेश का बटन दबाना, गोल जो रिफ्रेश का बटन बना हुआ है। अच्छा एक काम करो, उसको पूरे को एज इट इज कॉपी करके लाके पेस्ट करो, फिर क्या होता है। कॉपी करके चेक करा था, नहीं बोलता। पेस्ट करो जरा सबको। ऐप जी एस में लिखा है इन्होंने। ओह आपने ऐप डॉट जी एस में लिखा है, थैंक यू सो मच आपने बताया। यार ये ऐप डॉट जी एस में थोड़ी लिखना था, ये तो इंडेक्स डॉट जी एस में लिखना था। ओके ओके चलो। अच्छा कोई भी ऐसा है जिससे अभी तक ये ना हुआ हो या उसको प्रॉब्लम आ रही हो ये लिखने में कोड? इतना कोड हेलो वर्ल्ड सब लोगों के पास चल गया है, ऐसे ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ मैं, ये मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा अब इस कोड को ना हम लाइन बाय लाइन पढ़ाई करते हैं इसकी, कि ये कोड में लिखा हुआ क्या है। चल गया, थैंक यू, सही है, वेल डन, गुड। अच्छा नाउ बिफोर वी मूव ऑन, अच्छा यहाँ पे अब ये कह रहा है कि भाई हाथ से लिखने से ना थोड़ा फ़ायदा होता है ये वो, वेल अच्छा अब यहाँ से इसने शुरू किया कि कोड लाइन बाय लाइन ना है क्या। तो शुरू में दो लाइन लिखी हुई है इम्पोर्ट की, एट द टॉप देयर आर टू इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स, दीज पुल इन द रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम लाइब्रेरीज। ठीक है, ये जो लाइन लिखी हुई है ये क्या करती है, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम ये दो लाइब्रेरीज हैं, उनको उठा के आपके कोड में ला के शामिल करती है। जैसे अगर आपको याद हो कि हम जब एक्सियोस यूज़ करते थे, तो एक्सियोस यूज़ करते हुए हम क्या करते थे, उसका हम CDN उठा के लाते थे अपने प्रोजेक्ट में, अपने पेज के ऊपर ला के पेस्ट करते थे, फिर हम आगे का काम शुरू करते थे। तो रिएक्ट में ये काम इस तरह से होता है, ठीक है, इम्पोर्ट करके उसमें लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो इम्पोर्ट है ये बिल्कुल नई वाली जावास्क्रिप्ट है, ये कौन सी जावास्क्रिप्ट है, ES6, ये नई वाली जावास्क्रिप्ट है, इसके अंदर ऐसे करके काम होता है, इम्पोर्ट करके होता है। ठीक है, सर्वर भी जो हम पढ़ रहे हैं वो भी बिल्कुल नया वाला पढ़ रहे हैं, और फ्रंट एंड भी बिल्कुल हम नया वाला पढ़ेंगे। अच्छा ये दोनों कोड लिखने से क्या हो गया, ये लाइब्रेरी आपके कोड में आ गई, उठ के आपके पेज में ये लाइब्रेरी उठ के मंगवा ली आपने। विथ मॉडर्न ES6 जावास्क्रिप्ट विच इज़ मोस्ट रिएक्ट कोड यू विल सी, लाइब्रेरीज आर नॉट ग्लोबली अवेलेबल, दे नीड टू बी इम्पोर्टेड। कह रहे हैं कि ये जो नया वाला है ना इसमें CDN नहीं लगता, जो जावास्क्रिप्ट है ना नई वाली इसमें CDN नहीं लगता, इसमें इम्पोर्ट होता है, ये नया वाला तरीका है। ठीक है, तो ये इन्होंने बता दिया, दिस इज़ अ चेंज इफ़ यू आर यूज टू स्क्रिप्ट टैग। कह रहे हैं अगर आप CDN लगाने की आपको आदत है ना तो थोड़ा आपको लगेगा कि ये डिफरेंट है, लेकिन अभी फिलहाल यही है बस, अब आगे यही चलेगा, CDN वाला जो है वो क्या हो गया, अब आउट ऑफ डेट हो गया। एट फर्स्ट इट माइट सीम लाइक अ पेन, कह रहा है कि शुरू में आपको लगेगा कि यार ये CDN तो आसान था कि कॉपी किया पेस्ट किया। ठीक है, वैसे CDN मुश्किल है, वैसे लंबा सा होता है, CDN आप याद भी नहीं रख सकते, ये तो आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन जस्ट इन केस आपको अगर जस्ट इन केस लग रहा है अगर कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, तो उसका फ़ायदा ये बता रहा है कि फ़ायदा क्या है, हम क्यों ये लिख रहे हैं। एक्सप्लिसिटली इम्पोर्टिंग थिंग्स हैज़ अ रियली नाइस साइड इफेक्ट, कह रहा है कि ये जो अलग अलग हम सबको इम्पोर्ट करते हैं ना, इसका साइड इफेक्ट है और वो बहुत अच्छा साइड इफेक्ट है।
as you read the code, you can always tell where a variable class object is coming from. कह रहा है कि जब आप कोड को रीड करते हैं ना, अगर CDN होता ना तो उसमें ये दो लाइन लिखनी नहीं पड़ती, एक लाइन में ही काम हो जाता. ये दो लाइन जो लिखी है ना, आपको इसमें पता चलता रहता है कि कौन सा वाला, जैसे ये रिएक्ट लिखा हुआ है ना, कैपिटल R से रिएक्ट है. अब ये कहाँ से आया, ये कैपिटल R का रिएक्ट कहाँ से आया, आपको पता ही नहीं है. अगर CDN वाले केस में अगर हम बात करें तो हम एक CDN लगा देते थे एग्जियोस का, अब उसके बाद एग्जियोस हमें ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाता था पूरे कोड में, ऐसा ही होता था. तो अब वो एग्जियोस कहाँ से आ रहा है, मिसाल के तौर पे आपने 15 CDN लगाए हुए हैं, तो कौन सा वाला फंक्शन कौन से CDN से आ रहा है आपको पता ही नहीं चलता. तो ये उसका एक डाउन साइड है CDN का. इसमें पता चलता है आपको, इसमें रिएक्ट आप रिएक्ट की लाइब्रेरी से मंगवा रहे हैं, रिएक्ट डॉम की लाइब्रेरी से मंगवा रहे हैं, ठीक है. फिर एग्जियोस आप मंगवाएंगे एग्जियोस की लाइब्रेरी से, एग्जियोस डॉट गेट मंगवाएंगे एग्जियोस की लाइब्रेरी से, इस तरह करके होगा. कैपिटल रिएक्ट लिखा हुआ, ये एलियाज है, एलियाज नेम है. नहीं, ये एलियाज नेम नहीं है, ये इसी नाम से ही है. अभी ये इंशाल्लाह आगे जब यूज़ करेंगे ना, तो एलियाज में ना वो एज लगा हुआ होता है, रिएक्ट एज आर करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है. ये इसी नाम से उसमें बना हुआ है और इसी नाम से ये डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट कहलाता है, डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट इसी नाम से है इसमें ये. अच्छा, कह रहा है फॉर इंस्टेंस रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर एट द बॉटम ऑफ द एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ रीडिंग एंड गोइंग बैक व्हाट द हैक इज़ रिएक्ट डॉम. कह रहा है मिसाल के तौर पे अगर हम रिएक्ट डॉम की बात करें जो कि कोड के बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आ कहाँ से रहा है, मुझे सामने टॉप पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद जो अगला कोड है वो हाई का कंपोनेंट है. अब हाई का जो कंपोनेंट है इसको अगर आप गौर से देखें, ठीक है, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, अगर इसको आप अगर गौर से देखें ना, तो ये क्या है, एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है. फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज जो कि फंक्शन का एक क्लासिक सिंटैक्स है, उसके बाद ये बॉडी है फंक्शन की, और इसके अंदर एक अदद रिटर्न वैल्यू है, और रिटर्न वैल्यू में इसने क्या लिखा हुआ है, ये रिटर्न वैल्यू के अंदर रिटर्न इसने क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है ये क्या है? सही है, एक div है, एक HTML है जो यहाँ से इसने रिटर्न किया हुआ है. अच्छा, अब ज़रा देखते हैं ये बता क्या रहा है, कि क्या वाकई ये HTML है जो हमें देखने में लग रहा है या ये कुछ और है. राइट अंडर द इम्पोर्ट फंक्शन कॉल्ड हाई, राइट अंडर द इम्पोर्ट इज अ फंक्शन कॉल्ड हाई. कह रहा है इम्पोर्ट के फ़ौरन बाद एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसका नाम है हाई. दिस इज़ अ रियली ट्रूली जस्ट प्लेन जावा स्क्रिप्ट फंक्शन. कह रहा है कि ये रिएक्ट स्पेसिफिक इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट वाला ये फंक्शन जो होता है ना, ये वही फंक्शन है. इनफैक्ट एवरीथिंग इन दिस फाइल अप टू एंड इंक्लूडिंग द वर्ड रिटर्न इज अ प्लेन जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स. कह रहा है कि ये जो पूरी फाइल आपने लिखी है ना, ये वाली शुरू से लेके आखिर तक, इसमें कोई भी चीज़ रिएक्ट की नहीं है, ये सारा प्लेन जावास्क्रिप्ट है जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं आप, ठीक है. अब वो कैसे है वो देखते हैं. अच्छा, नथिंग रिएक्ट स्पेसिफिक. अब क्या है भाई, व्हाट मेक्स दिस फंक्शन अ कंपोनेंट. कह रहा है कि ये है तो ये फंक्शन देखने में, लेकिन मैंने शुरू में ये कहा था कि ये कंपोनेंट है, हाई का कंपोनेंट है ये. तो कौन सी ऐसी चीज़ एक फंक्शन के अंदर होगी जिस जो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कंपोनेंट है, कौन सी ऐसी चीज़ होगी, ठीक है. द फैक्ट दैट इट रिटर्न समथिंग रिएक्ट कैन रेंडर. कह रहा है कि इसमें वो चीज़, ख़ास चीज़ जो है वो ये है कि ये फंक्शन एक ऐसी चीज़ को रिटर्न करता है जिसको रिएक्ट डिस्प्ले करवा सकता है स्क्रीन के ऊपर, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को हम कंपोनेंट बोलते हैं. और कंपोनेंट हम इसको यूँ बोलते हैं कि ये ऐसी चीज़ रिटर्न कर रहा है जो रिएक्ट उसको स्क्रीन पर रेंडर करवा सकता है. अच्छा ठीक है, क्या रेंडर करवा सकता है, ये हेलो वर्ल्ड डिव. कह रहा है कि दिस सिंटैक्स कॉल्ड JSX. कह रहा है कि ये जो है ना, इसको कहते हैं JSX. अब बिल्कुल देखने में ये HTML के जैसा है, लेकिन ये कह रहा है JSX है ये. एंड इट लुक्स एंड वर्क्स अ लॉट लाइक HTML. कह रहा है कि ये ना सिर्फ देखने में HTML के जैसा है, बल्कि ये काम भी HTML की तरह ही करता है, कोई फ़र्क नहीं है HTML में और JSX में. रिएक्ट कॉल द फंक्शन
कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये हम कॉल नहीं करते हैं। हम आज तक जब हमने फंक्शन बनाया है तो हम फंक्शन को पहले बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसको कॉल करते हैं या नीचे आखिर में किसी जगह पे। लेकिन आप इस पूरे कोड में अगर आप देखें, इस पूरे कोड में ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कॉल हमने नहीं किया है। इस फंक्शन को कॉल कौन करेगा? इस फंक्शन को कॉल करेगा रिएक्ट खुद, हम नहीं कॉल करेंगे इस फंक्शन को, राइट? अच्छा, रिएक्ट कॉल्स द फंक्शन, गेट द JSX एंड रेंडर द इक्वेलेंट HTML टू द DOM। अब कह रहा है रिएक्ट कॉल करेगा इस फंक्शन को, इसमें से ये JSX रिएक्ट को मिल जाएगा और इस JSX को वो क्या करेगा, स्क्रीन पे HTML की तरह डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, कितना आसान है। तो ये हमने समझ लिया कि भाई ये क्या चीज़ है, एक अदद, ये एक अदद कंपोनेंट है। और कंपोनेंट होने का रीज़न उन्होंने देख लिया कि भाई JSX रिटर्न करेगा तो कंपोनेंट होगा ये। और कंपोनेंट के फंक्शन को हम खुद कॉल नहीं करते, कंपोनेंट के फंक्शन को रिएक्ट कॉल करता है। कब और कैसे कॉल करता है वो अभी थोड़ी देर में हम आ जाएगा हमारे सामने। नोटिस हाउ JSX इज नॉट अ स्ट्रिंग। कह रहा है ये स्ट्रिंग थोड़ी है, अगर स्ट्रिंग होता तो डबल कोटेशन होता है इसमें। अब ये असल में प्रूफ कर रहा है कि ये JSX में और अगर ये स्ट्रिंग होता या HTML होता या JSX हो तो उसमें फ़र्क असल में है क्या, कि ये स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रिंग नहीं है, JSX इज नॉट अ स्ट्रिंग, इट इज़ नॉट लाइक दिस। अगर स्ट्रिंग होता तो ऐसे लिखा हुआ होता कि रिटर्न होता, डबल कोटेशन होता, फिर डबल कोटेशन क्लोज होता, फिर बीच में वो डिव होता। रिएक्ट इजंट टर्निंग दीज थिंग्स डायरेक्टली इनटू स्ट्रिंग ईदर। कह रहे हैं कि हमने स्ट्रिंग में इसको लिखा भी नहीं है और ना रिएक्ट इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, रिएक्ट इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो रिएक्ट फिर क्या करेगा इसके साथ वो भी बता रहा है फिर आगे। बिफोर रिएक्ट रन देयर इज एन एक्स्ट्रा स्टेप द कोड गोज थ्रू। क्या जब रिएक्ट जब रन होती है ना, जब रिएक्ट जब रन होती है तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है। तो वो क्या करता है, वो JSX को कन्वर्ट करता है इनटू फंक्शन कॉल्स। और ये जो लिखा हुआ है ना डिव हेलो वर्ल्ड, अच्छा ये अंडर द हुड बता रहा है, ये हमें करना नहीं पड़ेगा, ये जो इतनी बात लिखी हुई है ना ये हमें नहीं करना, ये खुद करता है, ये हमें जस्ट बता रहा है कि अंदर ऐसे होता है। कह रहा है कि दिस बिकम्स दिस, कह रहा है कि ये डिव लिखा हुआ है, अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे हम, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट और डिव और नल और ये हेलो वर्ल्ड। तो मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन होता है जिसके जरिए आप एलिमेंट को क्रिएट भी कर सकते हैं, HTML वाले एलिमेंट जो होते हैं ना वो जावास्क्रिप्ट से भी क्रिएट हो जाते हैं। तो रिएक्ट के अंदर एक फंक्शन है वो इस एलिमेंट को क्रिएट कर रहा होता है असल में। ठीक है, कहाँ क्रिएट कर रहा होता है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहा होता है। ठीक है, अच्छा, दिस ऑल हैपन बिहाइंड द सीन, पीछे हो रहा होता है ये, हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं कैसे हो रहा है नहीं हो रहा, वो पीछे हो रहा होता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट हमें इसने बताया। तो दिस ऑल हैपन बिहाइंड द सीन, बेबल इज़ द टूल दैट डज ट्रांसफॉर्मेशन। बेबल के नाम से एक टूल है जो ये सारा काम कर रहा होता है, और हमें बेबल को भी पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है कि बेबल क्या होता है क्या करता है, मुझे खुद भी बेबल का नहीं पता, मैंने कभी खुद यूज़ भी नहीं किया। ठीक है, बेबल भी बिहाइंड द सीन खुद ही चल रहा होता है, हमें कुछ भी नहीं करना। एंड द स्टॉक क्रिएट रिएक्ट ऐप कॉन्फिग वेब पैक इज़ व्हाट किक्स ऑफ बेबल। कह रहा है कि ये सब होता कैसे है, ये रिएक्ट की ये क्रिएट रिएक्ट ऐप के नाम से ना एक चीज़ होती है, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ये उसके अंदर ये सब कुछ लगा हुआ है, खुद ही चलाता है वो सब कुछ। और वेब पैक के नाम से एक टूल होता है जो क्या करता है, इन सब चीज़ों को स्टार्ट करता है कि कब क्या चीज़ कैसे चलेगी कैसे रन होगा वो सब करता है। ठीक है, तो वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या चीज़ है और वो कैसे ये अपनी मशीन में कैसे हम ये सारे काम कर रहे होंगे, राइट? अच्छा, द फैक्ट दैट इट इज़ नॉट अ स्ट्रिंग माइट सीम लाइक एन अनइम्पॉर्टेंट डिटेल। कह रहा है कि ये जो है ना JSX ये स्ट्रिंग में नहीं लिखा हुआ, बगैर स्ट्रिंग के लिखा हुआ है, ऐसा लगता है कि ये कोई मतलब कोई इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई माइट सीम एन अनइम्पॉर्टेंट डिटेल बट इट इज़ एक्चुअली प्रिटी कूल। You can insert a bit of JavaScript code inside JSX tags. कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, उसके बीच में JavaScript का भी कोड आप लिख सकते हैं, राइट? React will run them dynamically. We will see that in a minute. कह रहे हैं कि उसके JSX के बीच में ना आप JavaScript का भी कोड लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये रेंडरिंग कैसे होती है, ये भी बिहाइंड द सीन में क्या चल रहा होता है वो पूरा हमें बता रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना हमें डिटेल शायद उसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम बस अब आगे चलते हैं जहाँ पे ये हमसे क्या करवा रहा है, आई वॉन्ट यू
टू शो दीज टू इम्पॉर्टेंट रीजन दिस प्योर जावास्क्रिप्ट कोड. अच्छा योर टर्न. अब बस यहाँ पर आ गए हम. हेलो वर्ल्ड हमने कर लिया, तमाम लाइनों को अच्छी तरह समझ भी लिया हमने, बिहाइंड द सीन उसमें क्या चल रहा है ये भी हमने देख लिया. अब है योर टर्न. नाउ दैट यू हैव अ प्रोजेक्ट इन प्लेस यू कैन प्ले अराउंड. अब हमने उस प्रोजेक्ट के साथ प्ले अराउंड करना है. मेक श्योर टू एक्चुअली ट्राई दीज एक्सरसाइजेज इवन इफ दे सीम रियली सिंपल, इवन इफ यू आर 99% श्योर यू नो हाउ टू डू दैट. अगर आपको पक्का पक्का लग रहा है कि यार ये तो बहुत आसान है, ये तो 2 मिनट का काम है मेरे लिए, मैं तो कर लूँगा, उसके बावजूद भी आपको ये एक्सरसाइज अपने हाथ से लिखनी है, ऐसा ये सजेस्ट कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं. प्रूव इट टू योर सेल्फ बाई टाइपिंग इट आउट एंड सी वर्किंग द रिजल्ट. कह रहे हैं कि आप अगर आपको लगता है ना कि पक्का पक्का मैं कर लूँगा, बहुत आसान है ये, तो आप अपने आप को प्रूव करें कि वाकई आप कर सकते हैं. और ये करने का तरीका क्या है, लिख के चेक करें उसको. अच्छा सबसे पहला काम है चेंज द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड टू से हेलो और आगे आपका नाम. ठीक है सबसे पहला काम ये करना है आपने. बोल्ड योर नेम बाय रैपिंग इट विद अ स्ट्रॉन्ग टैग. ठीक है HTML में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, मलिक, हेलो मलिक. अब हेलो को मुझे क्या करना है, बोल्ड करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, बी का टैग लगा दूंगा, लेकिन ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग का लगाओ. स्ट्रॉन्ग, ठीक है ST स्ट्रॉन्ग, और ये स्ट्रॉन्ग का टैग लग गया. सही है, तो देखो मैंने मलिक को क्या बना दिया, बोल्ड बना दिया, दूसरा वाला टास्क कर लिया मैंने. इनसाइड द डिव एंड अंडर योर नेम एड सम अदर HTML एलिमेंट्स, हेडिंग, ऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट, गेट अ फील हाउ इट वर्क्स. ठीक है तो कह रहे हैं कि आप क्या करें, अब आप ये करें कि यहाँ पे जाके ना इस डिव के अंदर आप यहाँ पे जाके ना कुछ मज़ीद HTML के आप लगा दें टैग, जैसे H1 मैंने लगा दिया. सही है मैंने कहा सम हेडिंग, ये मैंने लगा दिया. इस पे आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा दें. ठीक है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपने क्या लगा दिया, LI. आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, मैंने ये 4 आइटम लगा दिए. तो कुछ मजीद HTML मैंने लिखा है इसके अंदर. ठीक है आई मेंशन दैट यू पुट जावास्क्रिप्ट कोड इन दैट. कह रहे हैं कि आप क्या करें, उस JSX के दरमियान में ना आप ये बात लिख के देखें कि क्या होता है. तो आ जाए लिख के देखते हैं जी. JSX के दरमियान में मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक पैराग्राफ. ये मैंने कहा था पैराग्राफ बना लिया, मैंने कह दिया सम टेक्स्ट, और उसके बाद मैंने जो उन्होंने बात बताई थी ना कि 2 और प्लस और 5, ये मैंने लिख दिया. तो देखो यहाँ पे 7 प्रिंट हो गया. तो ये मैंने एक्सरसाइज सारी अपने हाथ से कर ली. एक आखिरी रह गई, कौन सी, वॉन्ट टू स्टाइल इट विद CSS इंस्टेड ऑफ यूजिंग द क्लास प्रॉपर्टी यू वुड बी यूजिंग क्लास नेम. हम HTML के अंदर क्लास करते थे, इसमें क्लास नेम यूज होता है. देन क्रिएट अ फाइल SRC के अंदर index.css विद योर स्टाइल और एड, ऐसे करके एड. तो हम ये कर लेते हैं, ये जो उसने बताया ना स्टेप बाई स्टेप, ये सारे काम कर लेते हैं एक साथ हम. अच्छा तो मैं सबसे पहले तो यहाँ फाइल में जाता हूँ. फाइल में जाके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ. कैसे होगी ये, हाँ यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट, मैं बाहर क्रिएट कर दी मैंने न्यू फाइल. यार ये बाहर क्यों क्रिएट, चलो खैर styl.css, और ये क्रिएट करके ना, अच्छा इसमें अंदर बनी हुई है बाय द वे, कट करता हूँ मैं इसको. अंदर एक styl.css बनी हुई है पहले से, तो मैं इसी को क्या कर देता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ. मैंने कहा क्लास माई क्लास, यह क्लास बना लेता हूँ रेड के नाम से. ठीक है ठीक है मैंने क्लास बना ली जिसके अंदर मैंने क्या बना लिया, कलर कर दिया रेड. एक और बना लेता हूँ ग्रीन. सही हो गया.
ग्रीन बना दिया, रेड बना दिया। अब इसको मुझे यहाँ पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये CSS की जो फाइल है मेरी, इसको मुझे अब क्या करना है, इसको मुझे यहाँ पे इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा, इम्पोर्ट और डॉट स्लैश स्टाइल डॉट CSS, ऐसे ही बताया ना इसने, कैसे बताया था, अच्छा इंडेक्स डॉट CSS है, क्या एरर आया भाई इसमें, मॉड्यूल नॉट फाउंड, स्टाइल डॉट, अच्छा स्टाइल में एस है, जब ही तो मैं बोलूँ एरर क्यों दे रहा है, स्टाइल में एस लगा हुआ था, ठीक है, जब ही एरर दे रहा था, इसको मैं वापस से छोटा कर देता हूँ, उसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा बाय द वे अभी हम ऑनलाइन एडिटर में कर रहे हैं, हम VS कोड में भी करेंगे यही वाला काम, अभी थोड़ी देर में ही करेंगे इंशाल्लाह, आज ही करेंगे अभी बल्कि आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सही है। अब अभी एक दिन का असाइनमेंट आपको इसी पे ही बनाना है फिलहाल। अच्छा तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पैराग्राफ के ऊपर ये क्या लगा देता हूँ, क्लास नेम रेड, सही हो गया, मुझे क्या लगाना था, क्लास नेम लगाना था बस, ये क्या हुआ, बंद क्यों हो गया ये, रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं, अच्छा कभी कभी ये हैंग भी हो जाता है, ऑनलाइन एडिटर है ना थोड़ा। अच्छा तो जैसे मैंने क्लास रेड लगाया, क्लास कैसे लगी इसके ऊपर, इसके ऊपर क्लास लगी है क्लास नेम के ज़रिए, ठीक हो गया। अच्छा लिस्ट आइटम में आइटम नंबर 2 जो है उस पर मैं क्लास नेम क्या लगा देता हूँ, उस पर मैं क्लास नेम लगा देता हूँ ग्रीन, सही है। तो ये देखो ग्रीन हो गया ये सेकंड वाला, इस हेडिंग पे भी लगा देता हूँ मैं क्लास नेम ग्रीन, हेडिंग भी ग्रीन हो गई, सही है, अच्छा हो गया ये तो, ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन, गुड, क्या बात है। अच्छा तो आप सब लोग जो है ना अभी ये सारा काम ना आप सब लोग अभी करेंगे, ठीक है, और ये करके आप क्लास से जाएंगे। एट दिस स्टेज यू ऑलरेडी नो सम HTML एंड सम CSS, यू नो इनफ अबाउट रिएक्ट एंड रेप्लिकेट बेसिक स्टैटिक वेबसाइट्स, और ये है आपका असाइनमेंट आज का। आपका असाइनमेंट क्या है आज का, कि ये जो हमने ऐप बनाई है ना ये वाली, अब देखो ये पूरा यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया हमने, हेडिंग भी लगा ली हमने, ये ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट भी लगा ली यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है कि अभी, सही है, अभी ओ क्या कर रहा हूँ मैं, ये एक तो ये वाले सारे अपने हाथ से करना है ना आपको, ये तो मैंने अभी करके दिखा दिया ना, आपने ये अपने हाथ से करना है। उसके बाद जब आप अगली क्लास में आएंगे तो आपने जो CV बनाई थी ना अपनी, बिल्कुल पहली क्लास में जो आप अपनी CV बनाई थी HTML से, वो आपने अब इस रिएक्ट के अंदर मुझे बनाकर दिखानी है, सही है। और ये स्टाइल उसमें प्रॉपर लगा हुआ होना चाहिए जैसे उसमें लगाया था, ठीक है। आप सब लोगों ने माशाल्लाह CV अच्छे से बनाई थी, उसमें स्टाइलिंग भी की थी, सब कुछ किया था, बेहतरीन ज़बरदस्त करके आपने बनाया था। तो आपने क्या करना है, वही CV यहाँ पे बनानी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम, अभी तो ऑनलाइन एडिटर में बना रहे हैं ना, फिर हम अपने VS कोड में आ जाएंगे, अपने मशीन के अंदर बनाना शुरू कर देंगे। अभी तक हमने इसको अपनी मशीन में नहीं बनाया, फिर हम इसको होस्टिंग भी करवा देंगे, जैसे हम नॉर्मल HTML के पेजेस बनाते थे तो GitHub पेजेस पे उसको मैं होस्ट करवा देता था, तो इसको भी कहीं ना कहीं हम होस्ट करवा दिया करेंगे, ठीक है। और होस्ट करवा के फिर हमारी एक प्रॉपर एक रिएक्ट की ऐप बन चुकी होगी, होस्ट हो चुकी होगी, फिर हम आगे उसके अंदर कंपोनेंट्स भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे आगे, ठीक है। यहाँ तक किसी का अगर कोई सवाल है तो पूछ ले प्लीज़, किसी का कोई सवाल है सर? ये लास्ट लाइन में जो रूट की आईडी यूज कर रहा है तो क्या ये index.html का पेज रेंडर करेगा इससे? अच्छा मैं बता देता हूँ ये रूट क्या चीज़ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं पब्लिक की एक फोल्डर है, इसके अंदर एक इंडेक्स की फाइल है, ये इंडेक्स की फाइल में ना एक डिव बना हुआ है रूट के नाम से, ये इसके अंदर रेंडर करता है लागे, जो भी चीज़ आप लिखते हैं ना उसके अंदर वो असल में इसके अंदर लागे रेंडर करता है। लेकिन फिलहाल आप इसको छोड़ दें, अभी आप ना ये बीच वाले पे तवज्जो दें JSX के ऊपर, और आप इस JSX को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो पूरी CV है ना वो इस पर कन्वर्ट कर दें। ये लाइन हम अभी चलेगा, अभी रिएक्ट और चलेगा थोड़ा ना, मतलब ये चीज़ें आपको अभी आएंगी फ्यूचर में और, ठीक है। तो आपने क्या करना है, CV इसके ऊपर बनानी है। अभी फ़िलहाल आप इस कंपोनेंट पर तवज्जो दें। हम अभी पहले, अभी अगले दो क्लास ना हम सिर्फ कंपोनेंट पर रहेंगे, एक कंपोनेंट बस, एक से ज़्यादा कंपोनेंट अगली दो क्लास तक हम नहीं बनाएंगे, ठीक है।
ठीक है, फिर उसके बाद हम जाएंगे दो कंपोनेंट तीन कंपोनेंट पे, फिर उसमें ये रेंडर वेंडर क्या होता है, फिर डिफरेंट पेजेस कैसे बनते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ क्या हमारा टारगेट है, एक कंपोनेंट पे आपको कमांड आ जाए, कंट्रोल आ जाए। ठीक है जी, किसी और का कोई सवाल है? अच्छा, ये बनाना शुरू कर दें सब लोग आप, ये अभी मैं देख कर जाऊँगा क्लास से। ये जो चीज़ है ना, ये पाँच जो इसने बात बताई है, ये पाँच चीज़ें आपकी मैं देख कर जाऊँगा सब लोगों की, जल्दी से ये आप बनाना शुरू कर दें सब लोग। अच्छा, अक्सा फैसल डन, क्या बात है यार, वेल डन, ज़बरदस्त। अच्छा, आप ना बाय द वे मुझे ये दिखा भी सकते हैं, पता है कैसे दिखा सकते हैं? ये जो ब्राउज़र आ रहा है ना छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा, इस ब्राउज़र में देखें एक URL आ रहा है, अगर आपने ये बना लिया है, अक्सा फैसल आपसे कह रहा हूँ, तो ये जो लिंक है ना, ये कॉपी करके आप मुझे भेजें, इसको मैं ओपन करूँगा तो आपका कोड मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर खुल जाएगा। तो जल्दी से मुझे ये लिंक भेज दें जिस जिसका हो गया। जिस जिसका हो गया ये पांचों टास्क, मुझे जल्दी से लिंक भेज दे अपना, सही है।